भावे पंजाब होवे या फिर कैनेडा कोई भी चंगा माड़ा नहीं हुंदा उसनू चंगा माड़ा उत्थों दी चंगी माड़ी व्यवस्था ते लोकां दीआं हरकतां बणाउंदीआं ने। कैनेडा नू भी अजकल माड़ा आख्या जा रहा है क्योंकि उत्थों अजिहीआं मंदभागीआं अते हुल्लड़बाजी दीआं खबरां सामने आ रहीआं ने। आए दिन कैनेडा दीआं सड़कां ते भिड़े होए पंजाबीआं दीआं वीडियोज़ भी सामने आउंदीआं रहिंदीआं ने, पर हुण मामला होर गंभीर हुंदा जा रहा। कैनेडा तो लगातार अजे मामले सामने आ रहे हैं जो कि ना सिर्फ बाहर जाने वाले पंजाबियों का राह बंद करवा सकते हैं सगों उत्थे सैटल होए लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं। तुहानू दस दिए कि कैनेडा दे विच आके जिथे बहुत सारे पंजाबी हड्ड भनवी मेहनत करके अपना नाम कमाते हैं उत्थे कुछ अजे मुंडे भी ने जिहड़े नौजवान वर्ग के अपनियां फुकरियां दे लई मशहूर हो रहे हैं, ते सब तो वड्डी गल इह है कि उह दूजियां लई परेशानी अते चिंता का सबब बन रहे हैं। अजय एक ताज़ा वीडियो ब्रैम्पटन के पंजाबियों के गढ़ वार्ड नंबर 10 मेफील्ड एयरपोर्ट खेतर तो सामने आई है जिथे 15 सालों तो भी वध समय तो कैनेडा च रह रहे पंजाबी विशाल शर्मा के घर के बाहर तड़के सवेरे 3 बजे खड़िया हुई गड्डिया दिया बदमाशों के वलों तलवारा गडासियां बेसबॉल बैटा के नाल भन तोड़ कर दी गई। हाले तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। यह मामला काफ़ी दिन पुराना हो चुकी है, 13 जून का यह मामला है। एक पासे तो यह वीडियो वायरल हो रही है जिथे इन्हां हुल्लड़बाजा ने अपने मुँह से कपड़े लपेटे हुए ने, तो यह मनिया जा रहा है कि यह किसी भी मूल के हो सकते हैं, पर दूजे पासे कहा जा रहा है कि तलवारा गंडासे बेसबॉल बैट तो अपने भाईचारे के गर्म खून वाले नौजवान ही रखते हैं। हुण तुहानू दिखाने आ कि विशाल शर्मा ने जिहड़ी एक एक वीडियो सांझी की है उन्हां दी मेहनत की कमाई दे नाल कमाईआं इह गड्डियां किवें उह चखना चूर करके गए ने। दस दिए कि वार्ड नंबर 10 ब्रैम्पटन का जो कि नामी पंजाबी मंत्रियों का इलाका मनिया जा रहा है, उत्थे रहने वाले रिटेलर वह व्यक्ति होंगे जिसका काम ओनर के लिए घर जमीन इमारतों की विक्री कराए या फिर मैनेजमेंट का प्रबंध करना होंगे। यह नामी किता एक बहुत ज़्यादा उसके विशाल शर्मा के गुआढ़ी मनजीत सिंह ने कहा है कि अज तक का मेरा सब तो माड़ा दृश्य सी ये, असी GTA च रहने तो इस वेले डर रहे हैं, पर इस तरह लग रहा है कि यह गोलीबारी हुई सी। तड़के 3 बजे की घटना उन्होंने पूरी घटना दसी कि असी अपने घर तो यह सारा कुछ देख रहे थे, 3 बजे इन्निया ज़्यादा तेज़ आवाज़ा आन लगियां, सानू लग्या कि गोलीबारी हो रही है। इसी डर के मारे वह घरों बाहर नहीं निकले कि कित कोई होर दुखांत घटना ना वापर जाए। जदों ये सारा माहौल शांत होया तो विशाल शर्मा और उसके गुआढ़ी हेठा कट्ठे हुए, उन्होंने पुलिस को तुरंत 911 से कॉल की, पर पुलिस ने जवाब दिता कि 911 नहीं यह दूजे नंबर पर कॉल जाएगी। विशाल शर्मा ने दूजे नंबर पर कॉल की तो पुलिस वाले हाजिर होए, उन्होंने घंटा हर किसी नाल पूछताछ की। उस तो बाद जो विशाल शर्मा ने कहा कि अगे की कार्रवाई होनी है तो बस वह एक रिपोर्ट नंबर दे के चले गए। उस तो बाद पुलिस वाले ने कहा कि दे माइट हैव चोजन द रोंग हाउस, कि कितने इन हुल्लड़बाजा ने गलत घर चूज कर लिया क्योंकि तुसी तां कह रहे हो साडी किसी नाल कोई रंजिश हैगी ही नहीं। विशाल शर्मा की मनीए तो उन्हों का कहना है कि जेकर मेरी किसी नाल रंजिश नहीं है तो फिर किसी होर की तो इन्हों हुल्लड़बाजा नाल होगी। अज मेरे घर हमला होया तो साढ़े इलाके कलू किसी होर के घर के भी हमला हो सकता है। उन्होंने हर एक मीडिया अदारे ये वीडियो सांझिया कीतियां ने, इस मुद्दे को चक्कण की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पुलिस ने तो सिर्फ एक रिपोर्ट नंबर दे के मामला रफा दफा कर दिता है जिहड़ा कि उन्हों का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहना कि इस मामले की पूरी तरह तफ्तीश हो, इंश्योरेंस कंपनियां दे नाल ओह गलबात कर चुके हैं पर इंश्योरेंस भी पूरी कवरेज नहीं दे रही। दूजे पासे उन्हां दा कहना है कि जेकर शरेआम तड़के दे समय घटनावां वापर सकदियां ने तां असीं कितें भी सुरक्षित नहीं हां। ब्रैम्पटन दे विच इस वेले जो कि पंजाबियां दा गढ़ मन्निया जांदा है, लोक रहण तों वी डर रहे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाबी।